नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम बात करते हैं पावर बीआई के बारे में। तो आपके सामने एक कैलेंडर दिख रहा है। बेसिकली क्या है कि मेरे पास एक डेटा है, डेटा में डेट है और यहाँ पे वर्क है, और उस काल से स्टार्ट 2 तारीख से होगा और 12 तारीख को खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई वर्क अनाउंस नहीं है, मतलब कि मेरी कंपनी के अंदर सेल्स है और सेल्स की मुझे एक कैलेंडर शीट दिखानी पड़ती है। अब ये चीजें जनरली एक्सेल से तो की जा सकती है, लेकिन हम इसको पावर बीआई पे भी इजिली कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आपके सामने है कि सेकेंड डे सेल जो है वो 2 तारीख से स्टार्ट होके और ये 10-11 तक चला है। ऐसे मिड डे सेल जो है, मिड एंड सेल जो है हमारा है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? वो हुआ है आपका 15 से स्टार्ट होके 25 तक चला है, और 25 से हमारा जो है इवेंट स्टार्ट हुआ है, एंड डेट से स्टार्ट हुआ है। अब इसकी कलर वर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको कैसे बनाया है मैंने पावर बीआई में, चलिए इसके बारे में बातचीत करते हैं। उससे पहले आप सभी को मैं इनवाइट करता हूं मेरे ऑनलाइन लाइव क्लासेस में, जो कि बैच हमारे स्टार्ट हो रही है 3 जैन से। जी हाँ, 3 जैन रात को 8 बजे ये आपका अल्टरनेट क्लास होगा। एक दिन क्लास, एक दिन प्रैक्टिकल होगी। तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपकी क्लास होगी और बाकी दिन आपकी प्रैक्टिकल होगी। क्लासेस बिल्कुल लाइव होगी मेरे साथ, है कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, ऐप बेस्ड कोर्स नहीं है। आप डायरेक्ट मेरे साथ इंटरेक्ट रहेंगे, अपने सवाल, अपने क्वेश्चन, हर एक चीज मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो मेरे साथ टेलीफोनिक सपोर्ट पे भी आ सकते हैं। तो फटाफट अपना सीट बुक कीजिए, क्योंकि इसकी फीस 6,000 है, बट एक ग्रुप क्लास के कारण ये आपको 1,500 रुपये मिलेगी। अब ग्रुप भी कोई बड़ी ग्रुप नहीं है, 10-12 लोगों की नॉर्मल सी ग्रुप है, सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो फटाफट मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिए और हमारी बैच को ज्वाइन कीजिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो कैसे बनाया मैंने टॉपिक, तो हम एक लेते हैं न्यू पे। सबसे पहले आपके पास डेटा देख लीजिए, आपके पास एंड डेट, इवेंट और स्टार्ट डेट, इवेंट और इवेंट कब स्टार्ट हुआ, जैसे 2 से स्टार्ट हुआ, ये में खत्म हो रहा है, वो आपको यहाँ पे होना चाहिए। और रिपीटेड नहीं होना चाहिए, रिपीट होगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन हाँ नॉर्मली करेंगे तो सही रहेगा। उसके बाद अब यहाँ पे मेरे पास, यहाँ देखिए कैलेंडर है, यहाँ पे जिसको बोलते हैं MQ सॉफ्टवेयर के थ्रू कैलेंडर विजुअल है, तो ये बाई डिफॉल्ट नहीं होता है। तो आपके 3 डॉट पे क्लिक करके गेट मोड विजुअल पे जाना होगा, और ध्यान रखिए उस समय आपके पास इंटरनेट का कनेक्टिविटी होना चाहिए। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आपको इंफोग्राफिक्स करके आएगा, इसमें आपको यहां दिखेगा कैलेंडर बाय मैक सॉफ्टवेयर। आप सर्च भी करेंगे MAQ, यहाँ पे सर्च भी कर देंगे ऊपर में, तो आपको आ जाएगा। इस पे क्लिक करके आप उसको कर लेना है, गेट करके ऑप्शन आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, इसको ऐड कर लीजिए। ये डाउनलोड होके आपके पावर बीआई में 1-2-3-4 सेकंड में ऐड हो जाएगा यहाँ पे सिंपली। उसके बाद आप इस पे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इस पे क्लिक कीजिए, अपना साइज में जो कम और ज्यादा करना है उसको कर लीजिए। अब यहाँ पे आता है स्टार्ट डेट, तो डेट जो स्टार्ट डेट है उसको हमने रख दिया। फिर आता है एंड डेट, एंड डेट को एंड में रख दिया। अब आता है कि भाई क्या मतलब कि इवेंट क्या है, तो इवेंट हमने ये डाल दिया, ये रहा इवेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलेंडर, आप वीकली देखना चाहे तो आप वीकली भी देख सकते हैं, डे वाइज देखना चाहे तो डे वाइज भी देख सकते हैं, लिस्ट देखना चाहते हैं तो इस तरह से लिस्ट भी आ जाएगा, मंथली कैलेंडर वाइज देखना चाहते हैं कैलेंडर भी आ जाएगा, और यहाँ से आप प्रीवियस मंथ, नेक्स्ट मंथ, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस मंथ, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल कैलेंडर की तरह आपका वर्क करेगा। टुडे पे क्लिक करेंगे तो आज की डेट में आ जाएगा, और यहाँ पे टुडे देखिए, टुडे कलर यहाँ पे ग्रीन है। कलर तो अगर आप यहाँ फॉर्मेटिंग में जाके डेटा कलर जो है चेंज कर सकते हैं, कि फिल क्या होना चाहिए, सेकेंड डे क्या होना चाहिए, मिड क्या होना चाहिए, आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे एंड डेट को रेड की जगह पे मैं ग्रीन करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैंने ग्रीन पे लिए और मैंने ग्रीन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इवेंट है, इवेंट की क्या क्या कलर होनी चाहिए, फिल क्या होना चाहिए, वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। शो ऑल इवेंट ऑन की जगह पे ऑफ कर दीजिए यहाँ पे, तो ये यह आपका ऑटो शो करेगा, बर्न रैप भी करेगा,
फॉन्ट वगैरह बाकी वर्क आवर वगैरह यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कैलेंडर सेटिंग में जाके। कैलेंडर के सेटिंग जैसे कि टुडे इंडिकेटर को मैं क्या करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अलग हो रेड से, ऐसा मुझे दिखा है मतलब डार्क रेड, जो टुडे होगा हो ऑटोमेटिक यहाँ पे डार्क रेड आपको दिख जाएगा। और यहाँ से अपनी सारी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, देखिए आपके सामने। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरी की पूरी वीडियो जो आपको चाहिए, सीक्वेंस में वीडियो चाहिए, आप लाइव क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहता है, तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल ऐप दिख जाएगा। थैंक यू।